अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आइए आज बनाते हैं चिकन कांडी विद शाशलिक सॉस। चिकन कांडी विद शाशलिक सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन के पीसेस लिए हैं। ये बोनलेस चिकन है और मैं आपको बता दूं इसके मैंने टुकड़े जो है ऐसे एक एक इंच के टुकड़े कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बस ऐसे टुकड़े मैंने कर लेना है। एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च मैंने ऐसे ही स्क्वेयर स्क्वेयर कट कर ली है एक एक इंच के टुकड़ों के हिसाब से। और एक प्याज भी मैंने बड़ी वाली प्याज जो है वो भी एक एक इंच टुकड़ों के हिसाब से कट कर ली है। हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। हाफ कप योगर्ट यानी कि दही लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ये लेमन जूस लिया हुआ है, नींबू का रस। अब आइए मसाले देखते हैं। मसालों के अंदर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1/2 चम्मच जीरा है, नमक जो है ज़रूरत के हिसाब से लिया है, ये 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया हुआ है और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। ये चाट मसाला जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है, अगर काला नमक है तो आप थोड़ा सा काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाट मसाला नहीं है तो आप उसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। चिकन अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दी है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने ये दही डालना है, उसके बाद ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 चम्मच रखा था ये मैंने डाल देना है। उसके साथ ही ये सारे के सारे मसाले जो है ये भी डाल देना है। मसालों के बाद अब मैंने इसके अंदर ये नींबू का रस जो है ये भी डाल देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस चिकन के पीसेस को इसमें अच्छी तरीके से कोट करके रख देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसको 2-3 घंटों के लिए छोड़ देना है और नमक जो है अभी आप चेक कर लीजिए, बेहतर होगा अगर कम है तो थोड़ा आप डाल सकते हैं। इसको मैरिनेट करके रखे हुए 2 घंटा हो गया है। आइए चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट वाला तवा रखा है चूल्हे पर और उसके बाद जो है उसमें मुझे थोड़ा सा तेल डालना है, समझ लीजिए 1 से 2 टेबलस्पून मैंने तेल डालना है, बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है। तेल हमने चारों तरफ फैला दिया है। अब उसके बाद इसमें एक एक पीसेस ये चिकन के हमने फ्राई करना है, बहुत ही कम ऑयल में इसको हमने फ्राई करना है। मैं ऑयल में इसको लगा लगा कर जो है तवे पर रखती जा रही हूँ। ऐसे ये तवा मेरा काफी बड़ा है तो इसमें तकरीबन ज्यादा पीसेस आ सकते हैं। मीडियम आंच पर ये सारे पीसेस मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है, चारों तरफ से अच्छे से इसको पका लेना है। आइए इसको पलटते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच लिए हैं ताकि पलटने में आसानी हो और ये देखिए आप देख सकते हैं बस ये ऐसा इसका कलर आ जाना चाहिए और मैंने इसको सारे पीसेस को जो है पलट देना है, बस ये आसानी से पलटी जा रही है ऐसे। ये सारे चिकन के पीसेस को मैंने पलट दिया है। अब उसके बाद जो है मैंने इसको ऐसे ही दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट पका लेना है और उसके बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये चिकन जो है बिल्कुल भी तैयार हो गई है और बहुत जल्दी तैयार हुई है, 4 से 5 मिनट लगे हैं बस और चिकन जो है बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। क्योंकि मैं फ्रोजन चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चिकन ब्रेस्ट जो है फ्रोजन चिकन ब्रेस्ट थे तो ये बहुत जल्दी से गल जाते हैं। अगर आप फ्रेश चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है उसको थोड़ी देर और पका लीजिए, ढक्कन लगाकर भी पका सकते हैं ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए या गल जाए। अब ये चिकन जो है मैंने एक प्लेट में निकाल देना है, क्योंकि मैंने तेल ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए मैं पूरा का पूरा ऐसे ही पलट देती हूँ और उसके बाद अब दूसरी बची हुई चिकन जो है वो भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। ये सारे पीसेस हो गए हैं। अब मैंने इसको एक प्लेट में रखकर बीच में कोयला रख दिया है और कोयले पर मैं थोड़ा सा ये घी डाल दूंगी। घी डालते ही उस पर से धुआं आना शुरू हो गया है। अब मैंने जो है इसको एक बड़े बोल से ढककर ये ऐसे ढककर मैंने रख देना है ताकि धुआं जो है पूरा अच्छी तरीके से अंदर रच बस जाए। इसको रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा धुआं जो है इसमें खत्म हो चुका है।
आइए अब इन चिकन के पीसेस को हम, ये चिकन कांडी जो है बनाना है उसको, तो इस स्टिक्स में जो है हम इसको अब डालेंगे, ऐसे स्क्यूअर्स की तरह जो है इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे बना दिया है, आप अपनी मर्जी से जैसे वेजिटेबल्स चाहे वैसे लगा सकते हैं। अगर आपको कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च ज्यादा लगानी है आप लगा सकते हैं, अगर आपको इसके अंदर रेड वाले बेल पेपर्स जो होते हैं, जो लाल कलर की शिमला मिर्च होती है वो भी लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंने सारी ये जो है इसको इसमें पिरो देना है, इसमें बना देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने 8 स्क्यूअर्स बनाए हैं, जिसमें से 5 में मैंने बीच में प्याज लगाए हैं और 5 में मैंने बीच में जो है शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम लगा दिए हैं। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो मैरिनेशन का मसाला थोड़ा सा बच गया था चिकन के ऊपर, ये मैंने अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है और उसको हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड करना है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे हाथ से स्प्रेड करेंगे ताकि ये कैप्सिकम वगैरह वगैरह में भी ये मसाला पूरा लग जाए अच्छे से। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर वही फ्राई पैन इस्तेमाल करना है जिसके अंदर मैंने सारे चिकन फ्राई किए थे और अब तेल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं वो हल्का सा ग्रीजी है, उसके ऊपर मैंने ये स्टिक्स उठाकर, आंच एकदम धीमी रखी है मैंने और ये स्टिक्स उठाकर मैंने उस पर रख देना है। आंच बहुत ही धीमी है और ये मैंने सिर्फ इसलिए रखना है ताकि ये कैप्सिकम हल्के से पक जाए। अब जो है 1 मिनट बाद मैंने इसको पलट देना, आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ रहा है। बस मुझे यही करना है बस थोड़ी देर के लिए, और कैप्सिकम वैसे भी हल्की सी क्रंची क्रंची अच्छी लगती है, प्याज भी हल्की सी कच्ची पक्की अच्छी लगती है। बस मैंने ये इतना सा इसको पलटना है दूसरी तरफ से भी करके, अब इसको मैंने निकाल लेना है। आइए अब देखते हैं शाश्लिक सॉस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर लिया है मक्खन, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून विनेगर है, 2 टीस्पून सोया सॉस है, 1/2 टीस्पून मैंने ग्रेटेड गार्लिक या बारीक चॉप की हुई गार्लिक ली है और 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, 1 टेबलस्पून मैदा यानी ऑल पर्पज फ्लावर लेना है, और यहाँ पर ये चिकन स्टॉक मैंने लिया है, इसको मैंने 2 हिस्सों में टुकड़े कर दिए हैं, 2 हिस्से कर दिए हैं क्योंकि मैंने पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, जो चिकन स्टॉक है उसका बस आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करना है। अब एक फ्राई पैन में मैंने ये मक्खन जो है ये डालना है और मक्खन को हम पूरा मेल्ट होने देंगे, वो पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए, तब तक जो है वो उसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मक्खन पूरा मेल्ट हो गया है। अब उसके अंदर मैंने ये गार्लिक जो है, ग्रेटेड गार्लिक ये डाल देना है। मक्खन और लहसुन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। 10 से 15 सेकेंड उसको भूनने के बाद अब मैंने उसके अंदर ये जो मैदा लिया हुआ था, जो 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, ये मैदा मैंने इसके अंदर डालना है और मैदा डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से भूनना है, धीमी आंच पे इसको मैंने अच्छे से भूनना है। आंच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, तेज आंच नहीं की है और आप देख सकते हैं ये अभी भूनकर हो गया है अच्छे से, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन नजर आने लग गया है, तो इसका मतलब है ये आटे का कच्चापन जो है उसमें से निकल गया है। अब मैंने क्या करना है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1/2 से 1.25 ग्लास पानी डाल देना है और इसको अब मैंने आंच तेज करके इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है पूरा। उसके साथ ही उसके अंदर मैंने ये जो चिकन स्टॉक मैंने बताया था, ये 1 पीस मैंने तोड़कर डालना है इसमें। अब हम इसको मेल्ट होने देते हैं, ये चिकन स्टॉक जो है उसके अंदर मेल्ट हो जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ा होने लग गया है और इसमें का जो चिकन स्टॉक था वो पूरी तरह उसके अंदर मेल्ट हो गया है। अब मैंने उसके अंदर ये सोया सॉस जो रखा हुआ था ये डालना है, उसके साथ ही मैंने उसके अंदर विनेगर भी डाल देना है, विनेगर कम रखा हुआ है, ज्यादा नहीं है, उसके साथ ही ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी डाल देना है, ये ब्लैक पेपर जो रखा था मैंने ये भी डाल देना है और इनको अच्छे से मिक्स करना है, आंच धीमी रखनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है।
2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब जो ये बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो गया है, गाढ़ा भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत सही है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। आइए अब हम इसको सर्व करेंगे, गरम गरम सर्व करेंगे चिकन कांडी के साथ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा चिकन कांडी विद शाशलिक सॉस खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने उसको सर्व कर दिया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर जो है मैं ये शाशलिक सॉस थोड़ा सा ड्रिजल कर दूंगी, थोड़ा सा शाशलिक सॉस जो है इसके ऊपर बस डाल देना है। आप उसमें डिप करके भी खा सकते हैं, ये हल्का सा मैंने इसके ऊपर डाल देना है। ये घर पर ज़रूर बनाइए और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा उठाइए। ये बेहतरीन चिकन कांडी विद शाशलिक सॉस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।